बेट वाह। अरे कितना सोएगा, जल्दी उठ। अरे क्या हुआ ग्रैनी, सुबह सुबह क्यों तंग कर रही हो? बिटवा फोन आया था। फोन आया था ग्रैनी? हाँ, ब्यूटी पार्लर से जो स्ट्रेटनर चुरा के लेके आई थी उनका फोन आया था। अरे नहीं तो क्या, हम लोग न्यू ईयर बनाने जिस गोवा रिसोर्ट में गए थे वहाँ से अपने टॉवल्स चुराए थे उनका फोन आया था? अरे नहीं रे। तो ग्रैनी परसों जो हम लोग पिज्जा खाने गए थे वहाँ से आप सारे ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स चुरा के लेके आए थे उनका फोन आया था क्या? नहीं बाबा नहीं, ये सब मैं नहीं करती। अरे चुराती तो मैं बहुत साफ सफाई से हूँ, मेरा रिकॉर्ड है, आज तक मैं पकड़ी नहीं गई। That's correct. तो फिर किसका फोन आया था ग्रैनी? एक बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया था। कास्टिंग डायरेक्टर, किस लिए? उसने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया है। ऑडिशन? बिटवा अनेकता एक बहुत बड़ा सीरियल बना रही है, सास की सास भी कभी बहू थी। काश ग्रैनी सीरियल में सिलेक्ट हो जाए बिटवा, फिर तो तेरी बल्ले ही बल्ले। ये बुढ़िया सुबह सुबह शूटिंग के लिए निकल जाएगी, ना काम करने के लिए बोलेगी, ना खाना बनाने के लिए बोलेगी, ना किसी चीज के लिए तंग करेगी। बिटवा पूरे घर में तेरा ही राज होगा। ग्रैनी मैं चाहता हूँ इस सीरियल में सिलेक्ट हो जाओ और ऑडिशन एकदम धमाकेदार दो। बिटवा तेरी ग्रैनी तो एक्टर नंबर वन है। यस ग्रैनी, अब ग्रैनी बनेगी एक्टर। हेलो, हाँ जी कास्टिंग वाले जी बोलिए, कल आना है मीटिंग के लिए। ठीक है मैं आ जाऊंगी। ओके आई वेट फॉर योर मैसेज। बड़ी एक्टर बनने चली है इस उम्र में, बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। देखा बिटवा देखा, कितना जले है ये बुढ़ाऊ मुझसे, ये चाहता ही नहीं कि मैं टॉप की एक्ट्रेस बनूं। ओह नो, अरे बेबी तुम तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। चल कुकड़ा कहीं का, बिटवा मुझे बता दियो उसका मैसेज आया कि नहीं। ग्रैनी मैं आपको बता दूंगा। मैसेज आया क्या? रिच ग्रैनी का मैसेज आया है, लिखा है मेरा हैंकी तुम्हारे घर पे छूट गया है, कब लेने आऊं? ब्लॉक मार अभी के अभी करमजली को, ब्लॉक मार। अब आया क्या? ग्रैनी फालतू से मैसेज आ रहे हैं, अभी भी नहीं आया होगा। वही तो, आ गया ग्रैनी। जल्दी बता एड्रेस क्या है? एड्रेस है ओल्ड कब्रिस्तान फिल्म सिटी स्टूडियो नंबर 13, टाइम 12 बजे। अरे वाह, मैं तो टाइम की बहुत पंचुअल हूँ, टाइम से 2 घंटे पहले ही पहुँच जाऊंगी। ग्रैनी मैं अभी आपके साथ चलूंगा। बिटवा तुझे तो मेरे साथ आना ही होगा, तू तो मेरा बिगेस्ट सपोर्ट है। मुझे इस बुढ़िया का ऑडिशन की तैयारी एकदम अच्छे से करानी होगी ताकि इसी का सिलेक्शन हो और बाद में मैं अपनी लाइफ एकदम आराम से जी सकूं। बिटवा तो खाने की तैयारी कर, मैं ब्यूटी पार्लर जाकर आती हूँ। हाँ ठीक है ग्रैनी, अभी करता हूँ। और कैसे हैं भैया जी? All good, मगरू भाई। का बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। That's correct. वो क्या है कि अपनी ग्रैनी अब एक्टर बनने वाली है, उसको एक सीरियल में काम मिलने वाला है। सिलेक्शन हो गया है का? बस बात लगभग तय ही समझो। लेकिन काम मिला कैसे काकी जी को? एक बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर का ग्रैनी को फोन आया था, उसने ग्रैनी को कल ऑडिशन के लिए बुलाया है। अरे वाह क्या बात है, अपनी काकी जी तो अब स्टार बन जाएगी। भैया जी हमको काकी जी का ऑटोग्राफ दिलवा दीजिएगा। अरे मगरू भाई आप तो घर के ही है, चलो ठीक है आपको ऑटोग्राफ दिला दूंगा। थैंक यू भैया जी, चलता हूँ ग्रैनी को ऑडिशन की तैयारी करवानी है। ऑल द बेस्ट भैया जी, सी यू। ओके टेक केयर, बाय बाय। ग्रैनी और कितना मेकअप करोगी, जल्दी करो लेट हो रहा है। अरे मेकअप हो गया है, बस टचअप कर रही हूँ, सीरियल में मेन लीड में सेलेक्ट जो होना है। पता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। That's right, लेकिन उसने शायद 12 बजे बुलाया है, 11 तो घर में बज गए हैं। आपको पता है ना वो टाइम का कितना पंचुअल है, आपको ना ऑफिस से ही बाहर निकाल देगा। ऐसे कैसे निकाल देगा, सीरियल के मेन लीड जो हूँ। अरे जल्दी निकलो, ऑडिशन के लिए लेट हो रहा है, सिलेक्ट होना है तो टाइम पर पहुंचना होगा। जरूर इसका आवारागर्दी करने का प्लान होगा। ओह नो। बाबू खाना बना दिया है, टाइम पर खा लेना, तुम्हें भी साथ ले जाती लेकिन तुम्हें बार बार हगना जो होता है। अरे वहाँ कर मैं अपना टाइम खोटी क्यों करूँगा, मैं तो भूतों के साथ मस्त झरझरी पुरपुरी का डांस देखने जाऊंगा। ओके जाना, टाइम पर खा लूंगा और घर का ध्यान रखूंगा। चलो बाय ग्रैंडपा, आवारा का मतलब घर का अच्छे से ख्याल रखना। बाय स्वीटी, सिलेक्ट होके आना, मैं घर में तुम्हारा इंतजार करूंगा।
यहाँ मैं टेंशन के मारे मरी जा रही हूँ और तू डांस कर रहा है। ग्रैनी आप भी इंजॉय करो, ज्यादा टेंशन लोगी ना तो आपके फेस पे रिंकल दिखने लग जाएंगे। ओह माय गॉड, ठीक है टेंशन नहीं लूंगी। वाह ग्रैनी, स्टूडियो कितना सुंदर है। हाँ बिटवा, अब तो यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। हेलो, आ गए। ऑडिशन पे आने के लिए शुक्रिया। अरे तुम तो साइंटिस्ट हो ना जो मिस्टर मीट के साथ काम करता है। करेक्ट, पार्ट टाइम में मैं कास्टिंग डायरेक्टर का काम करता हूँ। क्या बात है बिड़ू, तेरी तो पांचों उंगलियां घी में है, हर तरफ से दपा दप छाप रहा है। हेलो यंग मैन, वेलकम। हेलो, लीजिए ग्रैनी, ये है आपकी स्क्रिप्ट। बिटवा स्क्रिप्ट तू पकड़ ले, तुझे ही मुझे याद करवानी है। हाँ। रोल क्या है? आपका रोल दादी सास का है। व्हाट, तुम पागल हो गए हो क्या? इस उम्र में मैं सास का रोल करूंगी? नो नेवर, मैं तो सिर्फ बहू का रोल ही करूंगी, आई समझ, वरना मैं चली। देखो तो जरा इस बुढ़िया को, इस उम्र में भी इसको बहू का रोल करना है। मेलिड आप ही हैं, स्टोरी आपके ही इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल नहीं, बोला ना सिर्फ बहू का रोल करूंगी। ग्रैनी इतना अच्छा रोल है, आप ज्यादा सोचो मत, आजकल सीरियल्स में यंग लड़कियां भी सास का रोल करने लगी हैं। ऐसा क्या? और ग्रैनी आप भी बहुत यंग हो। ये तूने ठीक कहा। ग्रैनी आप ये सोचो, किस रोल को करने के बाद आप पॉपुलर हो जाओगे, हर कोई आपके साथ फोटो खिंचाना चाहेगा, आपके पास पैसा ही पैसा होगा, हर तरह से ब्रांड्स ही ब्रांड्स होंगे और आप एकदम छा जाओगी। वाह बिटवा, अब तो मैं ये रोल जरूर करूंगी। हाँ तो ये रोल करने के लिए तैयार है। आप ये स्क्रिप्ट लेकर जा सकते हैं, ऑडिशन एक हफ्ते बाद है, प्लीज स्क्रिप्ट याद करके आइएगा। चलो ग्रैनी, अब सास बनने की तैयारी शुरू कर दो। सिलेक्ट तो मैं ही होगी, सास की सास भी कभी बहू थी। अब ये रोल तो मैं ग्रैनी को दिलवा कर ही रहूंगा। और कैसी हो सलेंडरना दीदी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है रे चुडुआ? एकदम फैंटास्टिक। अरे चुडुआ, मैंने कल तुझे फोन किया था, तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? कहाँ बिजी था? वो दीदी हम लोग ना ऑडिशन के लिए गए। व्हाट ऑडिशन, किस चीज का? ऑडिशन नहीं, हम लोग मेडिटेशन सेंटर गए थे। अच्छा, मैंने तुझे इसलिए फोन किया है क्योंकि अब से मैं तुझे कभी कभार ही फोन किया करूंगी, सॉरी इन एडवांस। क्यों दीदी? मुझे बहुत बड़ा सीरियल में बहू का रोल मिला है, मैं स्टार बनने वाली हूँ। दीदी कहीं आप सास की सास भी कभी बहू थी उस सीरियल की बात तो नहीं कर रही? What? इसके बारे में तुझे कैसे पता चला? लेकिन उसके ऑडिशन तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुए, आप कैसे सिलेक्ट हो गई? अरे तुझे तो पता है ना, मुझ में टैलेंट कूट कूट के भरा है, मेरा सिलेक्शन तो तू पक्का ही समझ। मेरे अलावा अगर उन्होंने इस रोल को किसी और को दिया तो मैं उनकी कमर खोद दूंगी। वैसे तुझे ऑडिशन के बारे में कैसे पता चला? वो क्या है कि ग्रैनी भी नहीं, नहीं मैं उसको ग्रैनी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, वरना एक ग्रैनी का कॉन्फिडेंस डाउन कर देगी। बस उड़ती उड़ती खबर आई थी मेरे पास। ओके, चल चुटवा फोन रखती हूँ, ऑडिशन की तैयारी करनी है मुझे। ओके दीदी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। आई बड़ी स्टार बनने वाली है। चलो ग्रैनी एंड एक्शन। कल मेरी साड़ी पे जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, तुम कुकर चने पे चढ़ा के। ग्रैनी चने कुकर पे, कुकर चने पे नहीं। अरे सॉरी सॉरी, कल मेरी साड़ी पे जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, तुम चने कुकर पे चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब टॉयलेट में कौन था? अरे ग्रैनी टॉयलेट पे नहीं, सबको पता है टॉयलेट में ग्रैंडपा होते हैं। ये रसोड़ा है, रसोड़ा। उप्स, तुम चने कुकर पे चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ। ये खांसी थी। अरे ग्रैनी वो काशी नहीं, काशी थी काशी। ओ हाँ, ये काशी थी। ऑडिशन इस बुढ़िया का है और इसे दिमाग मेरा खराब किया हुआ है, चार लाइन इसको याद नहीं हो रही, और चलिए एक्टर बनने। ओप्स, ओह नो, कौन था ये, कौन था? हाँ
हाय रब्बा, क्या करूं मैं इस बुढ़ाऊ का। तुझे दिख नहीं रहा मैं रिहर्सल कर रही हूँ डोंट डिस्टर्ब मी, गेट लॉस्ट। सॉरी जाना, गलती से छूट गया। अब तूने एक और बार पादा ना तो तेरा सर फोड़ दूंगी, आई बात समझ में? अरे ससुर का रोल भी है क्या, मैं भी ऑडिशन देना चाहता हूँ। अरे ग्रैंडपा, स्क्रिप्ट में ससुर का रोल नहीं है, ससुर बचपन में ही मर चुका है। अरे यार, ससुर का रोल होता तो मैं झंडे गाड़ देता। चलो ग्रैनी, एंड एक्शन। कल मेरी साड़ी पे जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, तुम चने कुकर पे चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? तू मान गया ना कि तेरी ग्रैनी एक्टर नंबर वन है। अब ग्रैनी का सिलेक्शन पक्का ही समझो। लो, हम पहुंच गए टाइम पर। बुढ़िया ने दो लाइनें याद नहीं की और खाने पीने का सामान पूरा लेकर आई है। ग्रैनी, ये रही आपकी स्क्रिप्ट, वापिस से रट्टा मार लो। हाँ बिटवा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं ऑडिशन कैसा होगा, डर के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। ग्रैनी जी आ जाइए, आपका मेकअप और हेयर करना है। ग्रैनी आपका नंबर आ गया, चलो। हाँ बिटवा चल, I'm ready, चलो शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट ग्रैनी, अच्छे से करना। रेडी एंड एक्शन। कल मेरे साड़ी पे जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। अरे ग्रैनी अच्छे से करो ना प्लीज। चलिए कोई बात नहीं, एक और टेक लेते हैं, एक्शन। कल मेरी साड़ी पे जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, तुम पतीला गैस पे चढ़ाकर। कट। अगर आप इसी तरह से रीटेक करती रही तो मुझे अभी के अभी आपको घर भेजना पड़ेगा। बिटवा, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं इसका सर फोड़ दूंगी। अरे नहीं ग्रैनी, ग्रैनी वो गुस्सा कर रहा है ना, तो थोड़ा सहलो। हाँ सहलो, सोचो इसके बाद आप स्टार बन जाओगे। अनेकता का सीरियल है, इसलिए चुप हूँ, वरना इसकी ऐसी कम तैसी कर देती। चलिए आपको अब लास्ट मौका दे रहे हैं, अच्छे से कीजिएगा, एंड एक्शन। कल मेरी साड़ी पे जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, तुम चने कुकर पे चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी तुम थी, कौन था? ये काशी थी, कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। And cut! क्या बात है ग्रैनी जी, आपने तो कमाल कर दिया, वाह। ये तो मेरे बायात का खेल था। कितना अच्छा किया मेरी ग्रैनी ने, कितना अच्छा किया। वाह ग्रैनी, क्या बात है, मौ मौ मौ। चलिए अब चेंज कर लीजिए। ओके, तो अच्छा रहा ना ऑडिशन। ग्रैनी जी आपने तो कमाल ही कर दिया। सर रिजल्ट कब तक आएगा? बस कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएगा और एक महीने में शूटिंग शुरू हो जाएगी। ग्रैनी का सिलेक्शन तो पक्का ही समझो, इन्होंने तो आग लगा दी। वाह क्या बात है, मैं तो शूटिंग स्टार्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चल बिटवा घर चलते हैं। चलो चलते हैं। ग्रैनी 2 महीने हो गए, ना ही उन्होंने आपको फोन किया ना ही मैसेज, पता नहीं वो आपको शूटिंग पे कब बुलाएंगे। वही तो बिटवा, मैंने उसे कितने कॉल किए, कितने मैसेज किए, लेकिन वो मुझे जवाब ही नहीं दे रहा है। ओह नो। कोई बात नहीं ग्रैनी, थोड़ा और वेट कर लेंगे, चलो फिलहाल टीवी देखकर ही मन बहला लेते हैं। हाँ बिटवा, कल मेरी साड़ी में जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, तुम चने कुकर पर चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी तुम थी, कौन था? यानी ये डायलॉग सुना सुना नहीं लगा। कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। ये तो सास की सास भी कभी बहू थी सीरियल है, इसकी तो शूटिंग भी शुरू हो गई, इन्होंने मुझे निकाल कर इविल नन को ले लिया है। कोई बात नहीं ग्रैनी, संभालो अपने आप को, वैसे भी आपको ये रोल सूट नहीं करता। आई बड़ी, अगर इसी तरह से तुझे डायलॉग ऑडिशन में याद रहता तो तेरा सिलेक्शन कब का हो जाता बुढ़िया। ओह नो। बुढ़ाओ, तेरी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर आप चाहते हैं कि आपको भी हमारे नए सीरियल ससुराल चिमड़का में रोल मिले तो जल्दी से आके हमें मिले और ऑडिशन दें। तो चले ग्रैनी ऑडिशन के लिए। हाँ बिटवा, चिमड़ का रोल तो मैं ही करूँगी और इस बार तो एक्टर
मैं बन के ही रहूंगी। हाय गाइस, आई होप आपको ग्रैनी को एक्टर के रूप में देखकर मजा आया हो। तो फटाफट से मोहकमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहकमी।